ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी लर्निंग का दूसरा पार्ट है बिहेवियरिज्म में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या इसको सक्रिय अनुबंधन भी बोलते हैं, हिंदी के नाम बदलते रहते हैं, कह नहीं सकते क्या होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या इसी को सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं। पीछे लाइट कम नहीं लग रहा है, एक लाइट जला लीजिए पीछे, ऑन कीजिए तो नंबर एक बटन को, नहीं फैन भी ऑन हो जाएगा, बंद कीजिए सेकंड। हाँ ठीक। सक्रिय अनुबंधन बोलते हैं, थोड़ी देर पहले तो लिखवाए थे। किसने प्रस्तुत किया, पूरा नाम? बी एफ स्किनर। इकोलॉजी सिस्टम को लेकर आपने लर्निंग का इकोलॉजी सिस्टम आपने पढ़ा होगा बीएड में, ब्रोनफेन ब्रेनर का, कुछ याद आ रहा है? कुछ नाम याद आ रहा है? इकोलॉजी सिस्टम लर्निंग को लेकर ब्रोनफेन ब्रेनर ने बीएड में प्रस्तुत किया था, आपके मगध यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, बाकी किसी में दिखाई नहीं देगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है नहीं है? हाँ, तो मगध यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था जब हम पढ़ा रहे थे तब। ब्रोनफेन ब्रेनर का नाम जिससे जुड़ा हुआ है, बी एफ स्किनर का नाम भी उसी से कनेक्टेड है, लेकिन दोनों के सिद्धांत अलग अलग है। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकन। बी एफ स्किनर कहाँ के थे? पावलो रूस के थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट, ये अमेरिकन थे। बी एफ स्किनर बर्थ प्लेस का पता नहीं, लेकिन रिसर्च सब कुछ अपना अमेरिका ही जाके किए थे। प्लेस देख लीजिएगा, जन्म स्थान क्या हो सकता है, हो सकता है कि दोनों अमेरिका ही हो, लेकिन अमेरिका में आके इन्होंने बहुत नाम कमाया, अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इनका एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट जो रहा वो था चूहा, कबूतर और खरगोश, नहीं मुर्गी, चूहा कबूतर और मुर्गी पर किया अपना परीक्षण एक एक करके। उन्होंने जिसमें अपना परीक्षण किया, एक बॉक्स था वो, एक इस बॉक्स का नाम रखा उन्होंने स्किनर बॉक्स, अपने नाम पर ही बक्से का नाम रखा, और इस बक्से की बनावट कुछ इस प्रकार की थी, और यहां से एक चीज ऐसा सेटअप इन्होंने बनाया था कि एक दाना यहां से एक पाइप के थ्रू प्राप्त होता था। कब प्राप्त होगा? जब इस खुरदुरे स्थान पर एक राउंड लगाने के बाद कबूतर या मुर्गी उस पर अपना चोंच मारे, एक राउंड लगाने के बाद, वो भी क्लॉकवाइज, जैसे ये हो सकता है ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे, जब एक राउंड पूरा होगा चल के, और तब यहां आके एक बार अपने चोंच को मारे, एक दाना यहां से प्राप्त होगा। उस दाना को उन्होंने क्या कहा? रीइंफोर्समेंट। इसी को पुनर्बलन कहा जाता है। पुनर्बलन और कुछ नहीं है, मात्र एक लालच है। यानी कि व्यक्ति को अगर किसी चीज का लालच न दिया जाए, काम की लालच या जिस चीज की भी लालच हो, अगर हम उन्हें लालच नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा?
काम में सुस्ती पड़ जाएगी, मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे छोड़ दे ना करे। लेकिन जब तक एक लालच जुड़ी हुई है, अपना स्वार्थ अपना फायदा जुड़ा हुआ है, जी जान लगा के काम करते हैं। ये इंसानों की फितरत है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान इससे डिफरेंट है। कोई भी जिस प्लेस पे काम करता है हमेशा सोचता है कि अब मैं इससे आगे जाऊं, इससे और बेहतर करूं। सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, 90-100 नंबर आ जाए तो सोचेंगे 130 नंबर के लिए तो फिर मेहनत करना पड़ेगा, फिर एक बार और देते हैं। आप कभी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि जब जब आपको दाना की आवश्यकता होगी तब तब आपके अंदर एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उसके पीछे आप भागेंगे और अपना काम पूरा करेंगे। तो यहां सबसे पहले उन्होंने कबूतर को इस बॉक्स के अंदर डाला और कबूतर भूखा था। बॉक्स के अंदर जाते ही वो हर जगह अपना चोंच मारना शुरू किया, खाने पीने के लिए होता नहीं है, सब पर मारना या बाहर निकलने की कोशिश करना, जगह ही नहीं था। तो बाहर से आदमियों ने इशारा करके जैसे ये हो गया, तो ये चल के यहां तक आया, फिर यहां बजाया तो कबूतर चल के यहां गया, फिर यहां बजाया कबूतर यहां तक आया। वैसे ही हर जगह नॉक करते करते यहां तक एक राउंड लगवाया कबूतर को, एक राउंड लगाया और यहां जब इस खुरदुरे स्थान पर कई बार चोंच मारा, एक दाना अंदर गिरा। उसके बाद खड़ा होकर खूब मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बार में तो एक राउंड में एक ही दाना मिलना है। फिर वो हर जगह मारते हुए गया चोंच, उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मारने से ही मिला है, हर जगह चोंच मारते हुए आया, फिर यहां आके मारा, फिर मिला। अब उसको पता चल गया कि ये खुरदुरे स्थान पर चोंच मारने से ही दाना प्राप्त हो रहा है, इतने दूर टहलने का मतलब नहीं है। तो उसने शॉर्टकट लेने की भी कोशिश की कई बार, मतलब यहां गया यहीं से घूम के आ गया कि मुझे दाना मिल जाए, लेकिन बाहर से जो आदमी ऑब्जर्व कर रहा है वो तो देगा नहीं। फिर उसने इशारा किया ऐसे बजा के, फिर कबूतर आगे की ओर गया और तीन चार बार जब वो टहल के आ गया तो उसे पता चल गया कि मुझे दाना कैसे मिलेगा, राउंड लगा के। उसके बाद वो दौड़ के जाता था, जल्दी से आता था, तुरंत लगाया एक चक्कर, तुरंत एक दाना मिला, फिर खाया, फिर दौड़ा। मुझे तो लगता है कि दौड़ते ही पच जाता होगा और उसको दिन भर भूख लगी रहती होगी, खाया दौड़ा खाया दौड़ा, कैसे काम चलेगा। तो दाना तो उसे मिलता रहा, लेकिन इसी बहाने हमने उसे एक इस पथ पे क्लॉक वाइज चलना सिखा दिया, किस चीज के दम पे। अगर री इन्फोर्स हम नहीं करते, उसे दाना नहीं देते, तो क्या वो अपने काम में या हम जैसा चाहते उस काम को पूरा करता नहीं। अगर हम चाहते हैं कि कोई आदमी बेहतर करे तो उसे लालच देना पड़ता है, उसे उसके फायदे की बात करना होता है, नहीं तो उसे अपने फायदे के लिए भी काम करने का मन नहीं करता है। इंसानी फितरत है, आपके साथ हमारे साथ नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता ही है। तो दाना का प्राप्त होना री इन्फोर्समेंट कहलाता है और पियाजे के सिद्धांत में इससे इंपॉर्टेंट कोई वर्ड ही नहीं है। मतलब पियाजे के सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द निकल के आता है वो है पुनर्बलन। और पुनर्बलन क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ने और आगे सीखने के लिए हमें कोई री इन्फोर्स करने वाला होना चाहिए। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? शाबाश, मैंने क्या किया? री इन्फोर्समेंट किया। शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं, वस्तुओं के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, चॉकलेट, फ्रूटी, अवार्ड देकर, डिपेंड करता है एज पर कब किसको किस चीज की आवश्यकता है। छोटे बच्चे को पीठ ठोक कर कहिए शाबाश, चिल्लाते हुए रोते हुए जाएगा, मार दिया, क्योंकि उसे उस शब्द से कोई मतलब नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो री इन्फोर्समेंट भी किस लेवल पे किस स्तर के बच्चों को किस रूप में दे, इसके लिए भी समझना और सीखना है। अत्यंत छोटे बच्चों को ठोकने से बेहतर है कि 5 रुपए की चॉकलेट दे दो या 5 रुपया दे दो कि इसे खरीद लेना और चॉकलेट खा लेना, बहुत खुश, उसके बाद ठोकिएगा भी तो नहीं रोएगा। लेकिन बिना कुछ दिए खाले पीले ठोक दिए तो शिकायत मम्मी के पास कि मम्मी मार दिया, और मार देने का अर्थ समझ रहे आप कहेंगे हम तो शाबाशी दे रहे हो, तो कहेंगे छोटे बच्चे को शाबाशी समझ में आता है कि दे रहे हो। ऐसी घटना हो चुकी है, मेरे साथ ही हुआ था, तभी मुझे आज तक याद है। मेरी बाइक की चाबी घर में रह गई और मैं बाहर निकल गया, तो मैंने अपने भांजे को बोला कि चाबी टेबल पर रखा है बाइक वाला, जल्दी से लेके आओ। 3 से 4 साल का होगा उस वक्त। धीरे 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 गया, लेके चाबी आ गया वहां से, क्योंकि उसको मोटरसाइकिल पर बैठने की आदत थी घूमने की, तो चाबी पता था कौन सा है। अब लेके आया तो मैंने चाबी लिया और कहा कि शाबाश, और जो शाबाश कहा उसके बाद घर में जाके कह रहा है कि मामा मारा। तो याद है कि किस उम्र में बच्चों को किस प्रकार के री इन्फोर्समेंट की जरूरत है,
उस वक्त कुछ नहीं समझ में आ रहा था, जब 13 में बीएड किया गया, इन सब चीजों को पढ़ा, तब लगा कि लाइफ में साइकोलॉजी का पढ़ना और समझना कितना जरूरी है, अपने जीवन के लिए भी, जॉब के लिए तो अलग है लेकिन बच्चों को समझने के लिए साइकोलॉजी का पढ़ना बहुत जरूरी है। री इन्फोर्समेंट हमारे पास वो हथियार है जिससे हम बच्चों को किसी भी काम के प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उसे काम करने के लिए जोड़ सकते हैं अपने ओर। तो स्किनर के सिद्धांत में यही बातें थी, पहले उन्होंने कबूतर पे किया, फिर चूहा पे किया, फिर मुर्गी पे किया, और उनको एक बार कभी क्लॉकवाइज, किसी को कभी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना सिखा दिया और कहा कि मेरे इशारे पर वो चल रहे हैं, इसका कारण है दाना, और दाना को उन्होंने क्या कहा, रीइन्फोर्समेंट कहा। हर जगह इसकी आवश्यकता है आज के डेट में। कक्षा में अगर कोई बच्चा टॉप करता है उसे पुरस्कार देते हैं तो बाकी बच्चे भी देख के सोचते हैं कि एक दिन मेरा भी दिन आएगा और वहां खड़े होकर हम भी पुरस्कार लेंगे। एक अंदर से री इन्फोर्समेंट क्रिएट होता है, नहीं तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर हम उसको फंक्शन की तरह आयोजित ना करें तो। कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छा करने का रिवार्ड मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए, ताकि अन्य बच्चे भी वैसा करने के लिए आकर्षित होंगे। तो इसीलिए हमारे लिए री इन्फोर्समेंट एक फ्यूल की तरह काम करता है जो बच्चे के अंदर एक नई जिज्ञासा उत्पन्न करती है और वो अपने उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए भागता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, जितनी हो सके उतना कंपटीशन करता है दूसरों से। आपको भी री इन्फोर्समेंट मिला होगा, कहां से, कैसे, कभी सोचा इस बारे में? आप सब जगह से ढूंढ के, समझ के, चीजों को, तथ्यों को पढ़ के यहां तक पहुंचे हैं क्योंकि आपको किसी ने री इन्फोर्स किया होगा या आप किसी चीज के प्रति पुनर्बलन प्राप्त किए होंगे। वो कौन सी चीज है, आपकी लालच क्या है, दाना क्या है आपका, जॉब, और जॉब के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है टीईटी सर्टिफिकेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की सर्टिफिकेट चाहिए। उस सर्टिफिकेट के लिए आप अंदर से मोटिवेट हुए, आपको री इन्फोर्समेंट प्राप्त हुआ, किसी ने समझाया बुझाया और कहा कि मेहनत करो निकल जाएगा, जॉब हो जाएगी तुम्हारी। आपको एक इस दाने को प्राप्त करने के लिए एक री इन्फोर्समेंट के रूप में आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और आपने सर्च किया, चीजों को ढूंढा, देखा, यहां आए और पढ़ना शुरू कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं चीजें हमारी जीवन से जुड़ के और हमें आगे बढ़ाने में री इन्फोर्समेंट का बहुत बड़ा योगदान है। अब री इन्फोर्समेंट कई टाइप के होते हैं, कम से कम कितने टाइप जानते होंगे आप, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और सोचिए, सोचने के लिए कोई मना नहीं किया, आपको भी सोच के अंदाजा बताइए, दो होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने प्रकार हो सकते हैं री इन्फोर्समेंट के, नहीं सोचा जा रहा है, कुछ गिनती गेस कर लीजिए। इमोशनल री इन्फोर्समेंट ना, दो ही होते हैं, है ना, और किसी की संख्या बढ़ानी है, दो ही लग रहा है ना, इसके ज्यादा भी लग रहा है, किसी को ज्यादा नहीं लग रहा है। आठ प्रकार का होता है, चार से गुना कर लीजिए अब बराबर हो जाएगा। इसीलिए पूछ रहे थे कि कोई गिनती तो बढ़ाए, कोई बढ़ा ही नहीं रहा। आठ प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस रीइन्फोर्समेंट में ही आता है, पार्शियल रीइन्फोर्समेंट है, फिक्स्ड रेशियो रीइन्फोर्समेंट है, फिक्स इंटरवल रीइन्फोर्समेंट है, टोटल आठ प्रकार के। इसीलिए हम जो सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा आगे है। प्राइमरी और सेकेंडरी आपने हमेशा पढ़ा और समझा होगा, बिहार टीईटी 2017 23 जुलाई एग्जाम याद है, तब आप बीएड कर रहे होंगे, 17 या 18 में आपने बीएड में एडमिशन लिया होगा, जो लोग पास हो गए होंगे 17 के होंगे और जो अभी पास हुए हैं वो 20 वाले होंगे, 18-20। समझिए क्या है, सबको एक एक करके समझाते हैं, लिखने का काम हम लोग बाद में कर लेंगे। जो प्राइमरी री इन्फोर्समेंट है उसमें बच्चे की आत्मसंतुष्टि से संबंधित होती है, जो प्राइमरी लेवल पे ज्यादा काम करता है, अत्यंत छोटे बच्चों के लिए, जिसमें खाने पीने की वस्तुएं आ सकती है और खिलौने आ सकते हैं, इससे ज्यादा प्राइमरी में कुछ नहीं होता।
वहां शाबाश कहिएगा, वेरी गुड कहिएगा, वो मुंह घुमाए चल दिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि शाबाश मतलब क्या होता है, पीठ ठोकने का मतलब क्या होता है, उसे कोई इस चीजों का असर नहीं रहता है। तो जहां हम बच्चों को खाने पीने की वस्तुएं देकर आकर्षित कर रहे हैं या फिर खिलौने के माध्यम से आकर्षित कर रहे हैं और रीइंफोर्स कर रहे हैं कि ये काम कर दो तुम्हें मैं ये चीज ला के दूंगा, एक लालच, और वो काम करता है, तो समझ जाइए वो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है, जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल के बच्चों में काम आता है, एकदम छोटे छोटे बच्चे। तो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या है, जहां खिलौना और चॉकलेट ना देकर हम बातों के माध्यम से बच्चों को रीइंफोर्स करते हैं, बातों से उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसके लिए दो चार अच्छे शब्द कह सकते हैं, उसके काम पर हम कह सकते हैं वेरी एक्सीलेंट, बहुत बहुत ही बढ़िया, शाबाश, तुमने तो हिस्ट्री बना डाली, मार्वेलस, फैंटास्टिक, और बहुत कुछ। सेकेंडरी है, सेकेंडरी में ही दो टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब अच्छे शब्दों के साथ रीइंफोर्स करना, शब्दों के साथ अच्छे शब्द, अच्छे शब्द मतलब वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, सुपर, फंटास्टिक, मार्वेलस, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करके किसी भी बच्चे को रीइंफोर्स करे तो पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव बहुत सुना होगा आपने, आप ही बताइए क्या शब्द बताइए, जैसे मैं शब्द बताया ना, फिर पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या, जैसे मैं बोला ना मार्वेलस, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे वर्ड बोलिए, नेगेटिव में क्या वर्ड कहते हैं, निकम्मा, निठल्ला, कामचोर, और क्या क्या हो सकता है, नालायक, बहुत ही मतलब अंदर से आ रहा है, बेवकूफ, गधा कहीं का, नालायक और चूतिया। ये सब सब कभी ना कभी किसी ने सुना है। हमारे समाज में लोग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कम देते हैं, पॉजिटिव के टाइम पे चुप रह जाएंगे, नेगेटिव के टाइम पे भर भर के देते हैं, और बेच बेच के खाने वाला। मैंने भी सुना था, एक बार मेरे चाचा अपने बच्चे को डांट रहे थे, कहते कमा के तो मैंने रख दिया, सब बेच बेच के खाएगा, एक भी काम के लायक नहीं है, नालायक है सब, पूरी तरह से नालायक। उन दो नालायकों में एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, प्री वगैरह निकाल चुका, और दूसरा वकीली की पढ़ाई कर रहा है, अपना पीजी कर रहे हैं, दोनों के दोनों नालायक हैं। और कुछ पर्सनल, और कुछ कहा गया? तो इन सब शब्दों के माध्यम से अगर हम किसी बच्चे को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, तो उसका मनोबल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? यानी कि हमने रीइंफोर्समेंट निगेटिव रूप से प्रोवाइड किया जो उसे नुकसान कर गया, लेकिन कहीं कहीं निगेटिव रीइंफोर्समेंट उसके पॉजिटिव होने की पहचान बन जाती है। अगर ठान लिया तो अब तुमसे नहीं होने वाला, हर बेकार है, यूपीएससी निकालने चला है। अगर कोई ऐसा कहता है तो अंदर से आता है, इसको निकाल के करके ही दिखाएंगे। दिया उसने निगेटिव, लेकिन उसको उसने पॉजिटिव वे में ले लिया और क्या से क्या करके दिखा दिया। समझ रहे ना, बिहार की पहचान है, कहते हैं लोग दिल टूटता है तो आईएएस बन जाते हैं, यही कहता है लोग ना, पेपर वगैरह में यही छपता है कि बिहार में किसी का दिल टूट जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने करियर पे ऐसे फोकस करता है कि आईएएस बन जाता है। इसमें सच्चाई है ना, यानी कि एक निगेटिव चीज उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया, ये हमेशा नहीं होता, ऐसे 2% केसेस में होते होंगे, 98% है कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या कर रही है, हमें नीचे डाउन कर रही है, लेकिन उसी में 2% लोग उसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करके अपना काम को आगे बढ़ा लेते हैं। बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि समाज में हम किसी काम के लायक नहीं है तो सुसाइड कर लेंगे। तो यह हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, प्राइमरी और सेकेंडरी। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या होता है, किसी को लगातार हर बात पे ही रीइंफोर्स किया जा रहा है, वेरी गुड, 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 हर बात में गुड, ये काम कर दिया, गुड, नहीं आए, गुड, आ गए, गुड। बच्चे नाम रख देते हैं मास्टर साहब का, गुड सर। कोई आदमी एक ही शब्द लगातार प्रयोग करे तो बच्चे नाम नहीं रख देते हैं। कोई आदमी हर बात के अंत में एक तकिया कलाम प्रस्तुत करता है, गई भैंस पानी में, सुनते हैं ना, हर बात के अंत में एक तकिया कलाम है, वो एक रीइंफोर्समेंट है जो हर बार सेम होता है, कंटिन्यू वही वर्ड आते हैं।
हर बात में लो गई भैंस पानी में, समझ रहे ना? तो ये कौन से रीइंफोर्समेंट में चला जाएगा? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट से बच्चे के इमोशन पे कोई फर्क पड़ता है? कहते हैं उनकी तो आदत है वही गुड 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 करते रहने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड। जब बच्चे को उसकी आवश्यकता हो तब रीइंफोर्स कीजिए, और उसका एक अपना समय हो जब जरूरत लगे तब दीजिए, यूं ही मत दीजिए कहीं भी कभी भी। किसी बच्चे को जब कोई टीचर कभी कभी कॉपी पर उसके गुड लिख के दे देता है, पूरी फैमिली में घूम घूम के दिखाता है आज मुझे गुड मिला है। कोई कोई पूछता है कि गुड तो तुमको अक्सर मिलते रहता है, इसमें नया क्या है दिखाने के लिए? कहता है वो टीचर दिया है ना गुड आज, जो कभी किसी को आज तक गुड नहीं दिया। एक दिन अकॉर्डिंग टू नीड एंड टाइम फॉर द बेस्ट वर्क, और उस वक्त उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है तो उसकी जो खुशी होगी वो जनरली हर जगह दिखाई नहीं देता है। एक स्कूल में 1500 से 1600 बच्चे हैं प्लस टू तक, 9 10th 11 12 मिला के 1500 से 1600 बच्चे हैं, और उसमें एक प्रिंसिपल थे जो क्लास वगैरह में कभी नहीं जाते, किसी भी बच्चे को पर्सनली नहीं जानते, लेकिन एक भीड़ में कुछ लड़कियां जा रही थी, उसमें से एक को नाम करके ऐसे बुलाया प्रियंका सुनो। उस बात की उसे इतनी खुशी हुई कि 1500 के भीड़ में सर ने आज पहली बार किसी को उसके नाम से एग्जैक्टली बुलाया है, कैसे पहचाने प्रिंसिपल सर? इस बात की जो एक अंदर से खुशी है कि हमको लोग जानते हैं, यानी हम कहीं ना कहीं किसी परफॉर्मेंस में अच्छा काम कहीं कर रहे हैं तब तो हमारा नाम वहां तक पहुंचा है, इस बात की रीइंफोर्समेंट उसे प्राप्त होती है। तो वह है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड, जब हम देते हैं तो वो होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जो कि बेस्ट रीइंफोर्समेंट का तरीका है, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ऑप्शन देके कई रीइंफोर्समेंट पूछे कि इन सब में सबसे बेहतर कौन होगा, तो पार्शियल होता है, जो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू नीड प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? फिक्स्ड इंटरवल क्या है? एक घंटे का क्लास है तो हर एक 5 मिनट पे, यानी 60 मिनट में 12 बार, इंटरवल फिक्स है 5 मिनट पे। 5 मिनट पे जवाब सही है गलत है टाइम देखे, वेरी गुड वेरी गुड, फिर 10 मिनट हाँ शाबाश वेरी गुड, ऐसा कोई रीइंफोर्स करता है क्या? तो उसको कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल। एक इंटरवल फिक्स है कि हर एक 5 मिनट पे, या क्वेश्चन 10 पूछना है तो हर एक दूसरे क्वेश्चन पे ऑड नंबर इवन नंबर ऐसा करके हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो फिक्स नहीं ना होता है, हम उसे उसकी आवश्यकता पे देते हैं, पहले से कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो फिक्स इंटरवल में यह भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। एक और है फिक्स रेशियो, 10 क्वेश्चन लाए हैं 4 पर ही आज रीइंफोर्समेंट करेंगे, जवाब चाहे सही है चाहे गलत है, रेशियो हमने तय कर रखा है 4 out of 10। 10 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन पर ही रीइंफोर्स करेंगे, अब वो 4 क्वेश्चन कौन सा होगा नहीं पता, उसका जवाब सही होगा कि गलत होगा ये भी नहीं पता। तो पहले से ही हम तय कैसे कर सकते हैं कि हमें ऐसे ही रीइंफोर्स करना है, तो ये भी तरीका सही नहीं है। टोटल 8 प्रकार के रीइंफोर्समेंट है, जिसमें सबसे बेस्ट पार्शियल को माना जाता है। तथ्य क्लियर हो गए? तो नोट करने का काम हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, और समझने का काम आज हो चुका, लेकिन इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है जरा सा पढ़ के कहीं से आइएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत का शिक्षा में कहां प्रयोग है? डे टू डे लाइफ में प्रयोग होता है ना, जैसे थॉर्नडाइक का उतना सारा लिखा आपने, स्किनर के सिद्धांत का डे टू डे लाइफ में कहां प्रयोग है या शिक्षा में कहां प्रयोग है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना होगा, और जाके जरा सा थॉर्नडाइक को रिवाइज कर लीजिएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी।